सभी ग्रुप ने ट्रेनिंग के दौरान उच्च मनोबल मेहनत अंतर संकल्प का परिचय दिया। ट्रेनिंग के दौरान स्वतंत्र स्थान प्राप्त करने वाले पैराटॉपर के नाम इस प्रकार हैं: गिल मेडल पैराटॉपर पुरुषोत्तम, तत्कालीन कलर ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल आईएस गिल, परमिशन सेवा मेडल रेड क्रॉस द्वारा शुरू किया गया। ये मेडल कोर्स के और प्रथम आने वाले रिक्रूट को दिया जाता है। पीटी मेडल, ये मेडल फिजिकल ट्रेनिंग में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट को दिया जाता है। क्षेत्रीय मेडल, ये मेडल ड्रिल में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट को दिया जाता है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि आप नए छत्रधारी सैनिकों को संबोधित कर उनका हौसला अफजाई करें। माननीय लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया,
आप सबने भर्ती होने के बावजूद पश्चात चौथे हफ्ते मेहनत से लगन से काम किया है और आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर आपने पसंद की है कि हर वक्त हर समय देश की सेवा करेंगे और रेजिमेंट का नाम हमेशा ऊपर रखेंगे। ये आपके शुरुआत है, आगे जाके कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उस कठिन समय का मुश्किलों का सामना आपने हर वक्त करना है और अपने साथियों का, अपने बैटालियन का, अपने रेजिमेंट का, फौज का और देश का नाम हमेशा ऊपर रखना है। मैं जो आज इस फंक्शन में हमारे वीर नारी मौजूद हैं, हमारे माटा के जो एक्सप्रेस के आए हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आज जहां पर आके हमारा हौसला बढ़ाया। आज जो भी रेजिमेंट है ये हमारे माटा की कुर्बानी की वजह से है और हमारे जो सीनियर कैडेट जा रहे हैं उनके जो उन्होंने राह दिखाया है, दिशा दिखाई है, उसकी वजह से है। आज के मेडल विनर्स को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत से ये मेडल प्रदान किए और आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और रेजिमेंट में आपका स्वागत करता हूं। लेकिन एक चीज आपको पहले बताना चाहता हूं कि अभी यहाँ से अगर आपकी सीनियर सिटी ट्रेनिंग होगी उसके बाद आप प्रोफेशन में जाएंगे और जो प्रोफेशन में रहेगा और बैटल ग्रुप कराने का मुझे पूरा भरोसा है कि आपको देखते हुए अलग अलग ग्रेड देखते हुए कि आप सब कोशिश करेंगे और सिलेक्ट होंगे। अंत में मैं आप सबको मुबारक देना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी परेड प्रदर्शन किया, खासतौर से ट्रेनिंग बटालियन
आपके सामने से नेक्स्ट बैटालियन के लिए भाग